आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में और साथ में ही एक जो स्ट्रॉन्ग बैंक लग रहा है उस बैंक को शॉर्ट टर्म में बाइंग किया जा सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। यस बैंक को लेकर के बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज देखे, नए बोर्ड की गठन की मंजूरी देखा, उसके बाद भी स्टॉक में वोलेटिलिटी नहीं दिखी और हमने कहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस स्टॉक को इग्नोर करें। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिस्क रिवार्ड सियोरली बहुत फेवरेबल है और अराउंड 200% तक का रिटर्न मिनिमम 1 ईयर से 1.5 ईयर के ड्यूरेशन में दिख सकता है। सेकेंड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है एक्सिस बैंक। अमोंग दीज जो भी निफ्टी बैंक के स्टॉक है उसमें सबसे जो स्ट्रांग स्टॉक है वो एक्सिस बैंक लग रहा है। इस समय 650-55 के बीच में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक में 635-630 के आसपास के स्टॉप लॉस को लगा करके 680-690 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में विद इन 3 डेज के ड्यूरेशन के लिए पोजीशन लिया जा सकता है।